अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई खुशी के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आज सूदी मईशत को एक बड़ी कारी ज़र्ब लगी है। आज शरह सूद में मजीद कमी हुई, जिसके बाद पिछले चार माह के दौरान वो शरह सूद जो कि 13.25% होती थी, अब सिर्फ 7% रह गई है। गोया के बैंकों में पैसा रख के सूद खाने का जमाना अब खत्म हो गया, क्योंकि इसमें किसी किस्म की अब कोई कशिश बाकी नहीं है। इसका भरपूर क्रेडिट, बल्कि पूरा क्रेडिट मैं वजीर आजम इमरान खान को दूंगा, जिनकी भरपूर काविश रही है कि पाकिस्तान की शरह सूद में कमी लाई जाए, कारोबार को इंसेंटिवाइज किया जाए। और यकीनन ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, और अब यह सरमाया बैंकों से निकलेगा, कारोबार पे मुंतकिल होगा। बैंक भी मजबूर होंगे कि अब वो अपना सरमाया हुकूमत की सिक्योरिटीज और हुकूमत के ट्रेजरी बिल्स वगैरह में लगाने के बजाय कारोबार को दे, और इस तरह से पाकिस्तान में एक नई इब्तिदा होने वाली है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आज डेवलपमेंट हो गई है, क्योंकि अब शरह सूद में किसी किस्म की कोई कशिश बाकी नहीं है। ये पैसा बैंकों से निकलेगा, सरमाया ये है, अब ये कारोबार पे मुंतकिल होगा। और यकीनन जब हम सूद से छुटकारा हासिल करेंगे, किसी हद तक छुटकारा भी हासिल करेंगे, तो यकीनन अल्लाह ताला की रहमत भी नाजिल होगी, और ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी शुरुआत है। इसके साथ ही बैंकाई और कारोबार के हवाले से मुझे मालूम है हुकूमत एक बहुत अच्छा पैकेज तैयार कर चुकी है, जो चंद दिनों में सामने आएगा। इसी दौरान कंस्ट्रक्शन पैकेज में जो बजट के दौरान खामियां सामने आई थी, हुकूमत ने उनको भी दूर कर दिया है, ये भी बहुत जल्द सामने आने वाला है। और यकीनन अब जब हम सूद से छुटकारा हासिल कर रहे हैं, तो हम एक अच्छे दौर का आगाज कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को भी मुबारक हो, वजीर आजम इमरान खान को भी मुबारकबाद मैं दूंगा, स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और गवर्नर डॉक्टर रजा बाखिर को भी, कि पाकिस्तान को सूदी मईशत से छुटकारा मिल रहा है।